हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्लू कॉस्ट होटल्स कंपनी की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं उन सभी स्टॉक की डिटेल एनालिसिस बताता हूँ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो चलते हैं, करते हैं एनालिसिस। जैसा कि हम यहाँ देखें, इस कंपनी की शेयर प्राइस 6.60 रुपये है और आज के दिन ऑलमोस्ट 3% की तेजी देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 17% के पॉजिटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 14% के पॉजिटिव रिटर्न, 6 महीनों में 7% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 साल में 10% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 5 सालों में 94% के नेगेटिव रिटर्न दिए। अगर आप पिछले 5 सालों में इस कंपनीज के शेयर्स को होल्ड रखे हो तो आपका ऑलमोस्ट पैसा यहाँ जीरो हो चुका है। अगर हम मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो मैक्सिमम जो रिटर्न्स है 97% नेगेटिव, यानी आपका पैसा बिल्कुल जीरो हो चुका है। अगर हम कंपनीज के फंडामेंटल्स की बातचीत करें तो आप यहाँ देख सकते हो, ये जो कंपनीज है होटल सेक्टर एंड हॉस्पिटलिटी में यहाँ पे वर्क कर रही है, यानी कंपनीज का जो बिजनेस है होटल एंड हॉस्पिटलिटीज में है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 करोड़ का है, स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट प्राइस 6.90 रुपये, स्टॉक का लो 4.55 रुपये, स्टॉक का हाई 8.14 रुपये। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो ये भी हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 87 रुपीज़। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव देखने को मिल रहा है। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो जो जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी वीक हैं, तो आप वहाँ काफ़ी लॉसेज में और काफ़ी फंस जाओगे, बिकॉज यहाँ पे अगर तेज़ी देखने को मिल रही है तो ये एक ऑपरेटर्स यहाँ पे बाई कर रहे हैं। बट ऑल ओवर कंपनीज के हम फंडामेंटल्स को देखते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ कंटिन्यू लॉसेज में देखने को मिल रहा है, यानी कंपनी को काफ़ी टाइम से कंटिन्यू लॉस देखने को मिल रहा है। बट अभी जो कंपनीज का जो क्वार्टरली प्रॉफिट है वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के जो कंपेरिजन में लॉस काफ़ी कम हुआ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस लॉसेज भी काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिले। ऑल ओवर अभी कंपनीज को 13 करोड़ का लॉस देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ईयर बैलेंस शीट पर, तो बैलेंस शीट में जो रिजल्ट हैं वो भी काफ़ी जो नेगेटिव देखने को मिले हैं। ऑल ओवर कंपनीज का जो रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी नेगेटिव देखने को मिला है। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनीज पे हैवी बोरोइंग्स है, जो कि कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अगर हम यहाँ बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो हमें 1 करोड़ से पॉजिटिव देखने को मिला। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 61% की प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिली है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो 38.61% की पब्लिक होल्डिंग देखने को मिली है। बट ऑल ओवर कंपनीज के अगर हम फंडामेंटल्स की बातचीत करें तो कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी बुरे हमें देखने को मिल रहे हैं, कंपनीज को काफ़ी लॉस हो रहा है। अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हो जो कंपनी अभी स्टार्ट में तेज़ी देखने को मिल रही है बट लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स अगर हम यहाँ देखें वो नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो आप उसी कंपनीज में फंस सकते हो। और ये जो कंपनीज है वो यहाँ पे छोटी कंपनीज है, और छोटी कंपनीज में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत कीजिए, देन उसी के बाद अपने डिसीजन लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।